हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये इंडिका है, विस्टा क्वार्टर जेट। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है फ्रेंड्स, इसका ये जो स्पीडोमीटर है ये चल रहा नहीं है। तो ये इशू है, इसका प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम है। इसका डीजल गेज भी नहीं चल रहा और इसका स्पीडोमीटर भी नहीं चल रहा। और इसका ये ICD लाइट है ना, बीच बीच में ब्लिंक करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये गाड़ी का प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो पूरा देखना। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने फ्यूज़ चेक किया है, यहाँ पे इसकी फ्यूज़ आती है, सब फ्यूज़ ओके हैं। और मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या चेक किया है। यहाँ पे भी मैंने फ्यूज़ चेक किया है, ये देखिए ये भी फ्यूज़ ओके है। क्योंकि फ्यूज़ चेक करके मैं इधर अंदर सेंसर के पास दिखाता हूँ कि इसका करंट आपको कैसा चेक करना है। क्योंकि ये गाड़ी का ज़्यादा करके प्रॉब्लम जो होता है ना, कभी कभी करंट नहीं आता वायरिंग में और फ्यूज़ खराब होता है ज़्यादा करके, और नहीं तो सेंसर खराब होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करंट आ रहा कि नहीं। सॉकेट निकल कर अपने को नीचे सोना पड़ेगा, मैटिन डाल के नीचे जाएंगे हम लोग गाड़ी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आप लोग को जैक लगाना पड़ेगा, ये देखिए। क्योंकि अगर आपको नीचे जगह नहीं तो जैक लगाएंगे, फिर हम लोग गाड़ी के नीचे जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर से भी आता है, ऊपर से थोड़ा मुश्किल है। हम लोग गाड़ी के नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। बरोबर देखिए, गियरबॉक्स जो होता है वहाँ पे होता है। आप लोग इलेक्ट्रिशियन कोई मैकेनिक है तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जो सेंसर है यहाँ पे जो दिख रहा है वो स्पीडो सेंसर है। उसको मैंने सॉकेट लगाया ला। उसका स्पीडो सेंसर चल रहा नहीं है, मतलब अंदर काटा दिखाता नहीं है। इसका ऑयल भी देखिए फ्रेंड्स कितने लीकेज है। इसको सबसे पहले हम लोग सॉकेट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है, फ्यूज सही है। तो इसका सॉकेट देखिए निकाला मैंने, तो इसके बाद इसके सॉकेट में करंट आ रहा है देखना है। और अगर सॉकेट में करंट आ रहा है तो समझ जाने का ये सेंसर का प्रॉब्लम है। ये सेंसर नया डाल के भी नहीं हो रहा है तो समझ जाने का इसका अंदर जो मीटर होता है वो मीटर का प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए, मैं सेंसर चेक किया हूँ पहला, मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। मैंने सेंसर चेक किया तो सेंसर ओके है। तो इसमें मैं करंट कैसा चेक करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसमें तीन वायर आते फ्रेंड्स, ये तीन वायर है, ये ब्लू, ब्लैक वाइट और एक ग्रे कलर का, थोड़ा सा पिंक वाइट है जैसा। ये देखिए दिख रहा है अभी, ये दो, इसमें जो एक ये राइट साइड वाला आएगा आपको मेन आएगा, और ये ब्लैक वाला आएगा अर्थिंग आएगा। तो और बीच में जो आता है वो सिग्नल आता है। तो आपको क्या करना है इसमें और इसमें करंट चेक करने का, ये दोनों में अगर करंट आ गया तो समझने का आपका सॉकेट में करंट और सॉकेट ओके है। तो देखिए ये जो तीन पिन है, ये देखिए एक दो तीन, ये तीन वायर है ना, ये तीनों वायर में इसमें चेक करना है और ये लास्ट वाले में करंट चेक करना है। बाकी बीच वाले को छोड़ देना है, क्योंकि उसमें से सिग्नल करंट चला जाता बाहर। देखिए आप लोग के पास ऐसा एक छोटा सा लैम्प चाहिए, जो चेक लाइट भी बोलते हैं, ये सर्विस लैम्प भी बोलते हैं। ये अगर ऐसा लाइट रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें देखिए सॉकेट में लगा के आपको दिखाता हूँ इसमें करंट आ रहा कि नहीं, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है। फ्रेंड्स ये देखो, मैंने सॉकेट लगा दिया, मतलब ये दोनों वायर उसमें जोड़ दिया है। यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ये देखिए मैंने कैसा जोड़ा है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक राइट में एक लेफ्ट में वायर जोड़ दिया है दोनों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वायर जोड़ने के बाद ये बल्ब जल रहा है, वो भी स्विच ऑन चाहिए, चाबी ऑन चाहिए। क्योंकि जरा चाबी बंद करो ना, ये देखिए अगर चाबी हम बंद करेंगे तो लाइट चला जाएगा, और चाबी ऑन करेंगे तो वापस ऑन हो जाएगा। चालू करो, हाँ अब बंद करो, हाँ बस ठीक है। तो देखिए आपको मैंने दिखा दिया है दोनों वायर में चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं है, और ऐसा चेक लाइट से तो समझ जाने का आपको वायरिंग और करंट ओके है। आपको सेंसर डाल के एक देखना पड़ेगा लास्ट में, ये वाला एक काला वाला सेंसर,
वो सेंसर डाल के भी नहीं हो रहा है, करंट भी ओके, सॉकेट भी ओके, तो आपको अंदर का जो मीटर होता है वो डाल के देखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को बताना। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, मैं अभी इसका गाड़ी चालू नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए नहीं दिखाया, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसके पीछे डीजल का खोला है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका डीजल का भी गेज चल रहा नहीं है, तो उसका गेज का मैं आपको दिखा दूँ। वहाँ पे गेज का पिन टूटा हुआ है, ये देखिए, ये गेज का पिन है यहाँ पे, ये टूट गया है फ्रेंड्स, तो ये भी जोड़ना है इसके, इसके बाद ही ये सेपरेट हो गया। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये टूट गया इसमें से, तो कैसा चलेगा इसके लिए। तो आप लोग के लिए मैं गाड़ी चालू नहीं कर सकता, जो कि स्पीडोमीटर चल रहा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम था तो ये आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या चेक करने का। सबसे पहला फ्यूल चेक करने का, वायरिंग चेक करने का, उसमें करंट चेक करने का, फिर उसके बाद करंट ओके, सॉकेट ओके, तो सेंसर डालने का, सेंसर डाल के भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको लास्ट मीटर डालना पड़ेगा, और मीटर डाल के हो जाता है। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो सिग्नल का वायर एक लास्ट में चेक करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा तो कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके बताना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।